पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सम्राट और नेड किंग्स लैंडिंग के लिए रवाना होने वाले थे। वहीं ब्रैन दी ब्रोकन टावर से गिर जाता है। जॉन स्नो अपने अंकल बेंजन के साथ दी वॉल के लिए निकल चुका है और किंग्स रोड पर डेनेरिस को लेके सम्राट और नेड की बात होती है। अब आगे यहाँ नॉर्थ में रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। टिरियन पिछले 14 दिनों से चले जा रहा था पर वो अभी भी दी वॉल पर नहीं पहुंचे थे। टिरियन को नक्शे बाकियों से बेहतर याद थे पर आज उसे ये एहसास हुआ कि नक्शा याद रखना एक चीज है और असल जमीन पर दिशा ढूंढना अलग। जिस दिन सम्राट का कारवां साउथ के लिए निकला था उसी दिन टिरियन भी दी वॉल के लिए निकला। विंटरफेल से आगे बढ़ते ही रास्ते अब और सुनसान हो चुके थे। टिरियन, बेंजिन और बाकी सब जिस रास्ते से होते हुए दी वॉल पर जा रहे थे उस रास्ते के पश्चिम में कुछ पहाड़ियां थीं, वहीं पूर्व में सिर्फ सपाट समतल मैदानों को देखा जा सकता था। दिन के वक्त उस रोड पे अच्छी आवाजाही लगी रहती थी, वहीं रात गुजारने के लिए कई सराय भी बने हुए थे। पर विंटरफेल से निकलने के 3 से 4 दिन के बाद वो जंगलों वाले इलाके में प्रवेश कर गए और रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता गया। वो छोटी पहाड़ियां अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे और 5वां दिन जाते जाते वो पर्वत जितने ऊंचे हो गए थे। टिरियन आज तक ऐसा जंगल नहीं देखा था। बेंजन उसे बताता है कि वो सब इस जंगल को वुल्फ्स वुड कहते हैं। इनके दस्ते में ये 8 लोग थे, टिरियन, उसके 2 आदमी बेंजन और उसका भतीजा जॉन स्नो और कुछ नए लोग थे जो नाइट्स वॉच में जुड़ने जा रहे थे। वुल्फ्स वुड से निकलने से एक रात पहले उन्हें नाइट्स वॉच का ही एक शख्स आके मिलता है। ये शख्स योरेन था। योरेन 2 लड़कों को अपने साथ लाया हुआ था और आकर बताता है कि वो दोनों लड़के बलात्कारी हैं। अब टिरियन जॉन को देखता है कि जॉन योरेन और उन दोनों लड़कों को बड़ी अजीब नजरों से घूर रहा होता है। टिरियन को जॉन के लिए बुला लगता है। वो सोचता है कि इस बच्चे को लग रहा था कि नाइट्स वॉच में सारे इसके अंकल बेंजन जैसे अच्छे लोग होते होंगे। एक हफ्ता जाते जाते टिरियन को यह एहसास हो गया कि नॉर्थ कितना कठोर है। ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और जितने भी गर्म कपड़े टिरियन लेकर आया था नॉर्थ की ठंड के आगे सब बेअसर होने लगे थे। जब वो वुल्फ्स वुड से आगे बढ़ चुके थे तो अब कोई भी सराय नहीं था, उन्हें खुद के टेंट लगाने पड़ते थे। टिरियन अपने छोटे कद की वजह से उस काम में किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता था तो वो हर बार चुपचाप किताब पढ़ने बैठ जाता था। सफर का ये 18वां दिन था। रात में टेंट लगाए जा रहे थे और टिरियन अपनी किताब निकालता है जिसमें ड्रैगन्स के बारे में और उनका इतिहास लिखा हुआ था। टिरियन उसमें ड्रैगन की हड्डियों के बारे में पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा हुआ था कि ड्रैगन बोन काले रंग का होता है क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। स्टील के तरह मजबूत पर बहुत ही हल्का और लचीला ड्रैगन बोन हथियार बनाने के काम आते हैं। एक ड्रैगन बोन से बना धनुष काफी बेहतरीन माना जाता है और मारक क्षमता में वो एक लकड़ी के धनुष को पीछे छोड़ सकती है। अब टिरियन को हमेशा से ही ड्रैगन्स दिलचस्प लगते थे। जब वो पहली बार किंग्स लैंडिंग गया था तो वो दरबार में लगे ड्रैगन स्कल्स को देखना चाहता था पर रॉबर्ट उन स्कल्स को वहां से हटवा दिया था। वो स्कल्स तहखाने में थे। टिरियन जब उन स्कल्स को देखने गया तो उनकी सुंदरता से अचंभित रह गया। कोयले की तरह काले और आग की रोशनी में चमकने वाले वो स्कल्स के आकार किसी दैत्य से कम नहीं थे। वहां पे 19 खोपड़ियां थीं, जो सबसे पुराना वाला था वो लगभग 3000 साल पुराना होगा और वो जो सबसे नया था तकरीबन 150 साल पुराना था। जो सबसे हाल के स्कल्स थे वो सबसे छोटे थे, शायद ये टारगेरियन घराने के आखिरी ड्रैगन्स हों। पर उसी कतार में सारे स्कल्स को उनके आकार के हिसाब से सजाया गया था और सबसे आखिर में थे कहानियों के वो 3 ड्रैगन्स का स्कल जो सबसे बड़े थे। ये वो ड्रैगन्स थे जो एगोन टारगेरियन और उसकी बहनों ने वेस्टेरोस में लाया था। इतिहासकारों ने उन्हें देवताओं के नाम दिए थे, बेलेरियन, मिराक्सेस और वहागार। टिरियन उनके आकार को देख के हैरान था। टिरियन बेलेरियन के आकार को देख के सोच रहा होता है कि जब ये जानवर जिंदा होगा तो क्या होगा। टिरियन आज से 300 साल पहले के एक किस्से को याद करता है जब कैस्टरली रॉक्स के किंग लॉरेन और रीच के किंग मर्न ने हाथ मिलाया था और एगोन का सामना करने का सोचा था। तब जंग के मैदान में ऐसा पहली बार हुआ था कि बेलेरियन, मिराक्सेस और वहागार तीनों उतरे हो और सिर्फ एक पहर जाते जाते एगोन ने दोनों राजाओं के घुटने टेकवा दिए थे। उस कहानी को फील्ड ऑफ फायर के नाम से दर्ज किया गया था। जब टिरियन वो किताब पढ़ रहा होता है तो जॉन की आवाज आती है, तुम इतना ज्यादा क्यों पढ़ते रहते हो। टिरियन किताब बंद करके कहता है, मेरी तरफ देखो, क्या दिखता है तुम्हें।
जॉन कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। टिरियन कहता है मैं एक बौना हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है लड़के? जॉन कहता है 14 साल। टिरियन कहता है तुम 14 के हो और मुझसे लंबे हो। मेरे हाथ पांव छोटे हैं, मैं ढंग से चल भी नहीं पाता, घुड़सवारी भी नहीं कर सकता, तलवारबाज भी नहीं बन सकता था, पर मैं पैदा हुआ लैनिस्टर घराने में। मेरे पिता 20 साल तक सम्राट के हैंड थे, फिर मेरे भाई ने उसी सम्राट को मार डाला। मेरी बहन नए सम्राट की रानी बनी, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। लोगों की मुझसे उम्मीदें होती हैं, पर मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने समझा कि मेरा दिमाग ही मेरा हथियार है, और एक दिमाग को किताबों की जरूरत है जिस तरह एक तलवार को धार की जरूरत होती है, और यही कारण है कि मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ जॉन स्नो। जॉन पूछता है वैसे तुम पढ़ क्या रहे थे? टिरियन कहता है ड्रैगन्स के बारे में। जॉन कहता है क्या फायदा, वो सब तो सालों पहले खत्म हो चुके हैं। टिरियन कहता है कि इसी बात का तो दुख है, मैं बचपन से ही एक ड्रैगन रखना चाहता था। टिरियन आगे बताता है मैं कास्टरली रॉक्स में छोटी आग जलाता था और बैठ के सोचता था कि ये ड्रैगन फायर है। उस आग में फिर अपने पिता को जलते हुए मैं सोचता था, तो कभी अपनी बहन को। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ सोचा है नाजायज? जॉन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। टिरियन कहता है जरूर स्टार्क्स तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव रखते होंगे, और हो भी क्यों ना, तुम वहाँ से दूर जो आ चुके हो और अब तुम्हारे भाई बहन अब लॉर्ड्स ऑफ विंटरफेल बन पाएंगे। जॉन कहता है अब बस भी करो, नाइट्स वॉच एक सम्मान की जगह है। टिरियन हंसता हुआ कहता है ऐसा तुम्हें लगता है बच्चे? नाइट्स वॉच में पूरे रियासत के सबसे नीच लोगों को लाया जाता है। तुमने योरिन और उन दोनों लड़कों को देखा? वो अब तुम्हारे भाई कहलाएंगे। नाइट्स वॉच में ऐसे ही लोग हैं, किसान, कर्जदार, शिकारी, बलात्कारी, चोर और तुम्हारे तरह नाजायज यहाँ वॉल पर लाए जाते हैं। जॉन कहता है चुप हो जा। अब जैसे ही जॉन ने कहा, घोस्ट पीछे से आता है और टिरियन को धक्का मारकर गिरा देता है। जॉन थोड़ी देर बाद टिरियन को उठाता है। जॉन पूछता है क्या वो सच है जो तुमने नाइट्स वॉच के बारे में कहा है? टिरियन अपना सर हाँ में हिलाता है। जॉन कहता है चलो अब जो है सो है। दोनों टेंट्स के तरफ लौट आते हैं। कैंप के पास आग जल रही थी और रात के खाने की तैयारी चल रही थी। खाने के बाद सभी कोई अपने टेंट्स में सोने चले जाते हैं, पर जॉन उस रात पहरा देता है। यहाँ विंटरफेल में जब नेड को 8 दिन हो रहे थे, तो माइस्टर ल्यूविन ब्रैन के कमरे में केटलिन से मिलने आते हैं और कहते हैं लेडी स्टार्क आपको हिसाब एक बार जरूर देख लेना चाहिए। केटलिन कोई भी हिसाब देखने से मना कर देती है। माइस्टर आगे कहते हैं कि भंडार घर खाली हो चुके हैं लेडी। केटलिन गुस्से में कहती है कि भंडार घर का काम बावर्ची देख लेगा। तब माइस्टर उसे याद दिलाते हैं कि विंटरफेल का बावर्ची नेड के साथ साउथ गया हुआ है। माइस्टर केटलिन को आगे कहते हैं कि कई सारे अपॉइंटमेंट्स भी बाकी हैं। उन्हें एक नया होमगार्ड का कैप्टन चाहिए जो जोरी की जगह ले सके। अस्तबल में भी एक नया बंदा चाहिए होगा। इन सब बातों से केटलिन गुस्सा हो जाती है और कहती है यहाँ मेरा बेटा बेसुध पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि मुझे अस्तबल की चिंता होगी? मैं विंटरफेल के एक एक घोड़े की बलि चढ़ा दूंगी अगर उससे मेरे ब्रैन की आंख खुलती है, तो समझ में आया आपको? माइस्टर चुपचाप कहते हैं समझ गया माय लेडी, पर वो अपॉइंटमेंट्स, रॉब पीछे से कहता है मैं उन अपॉइंटमेंट्स को देख लूंगा। माइस्टर ल्यूविन एक पेपर निकाल कर कहते हैं मैं कुछ लोगों को बुलाया हूं माय लॉर्ड जो कि इच्छुक हैं। रॉब उन नामों को देख के कहता है अच्छा काम किया आपने माइस्टर, इन सबको आप कल बुला लीजिए और मुझे और माँ को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। माइस्टर कहते हैं समझ गया माय लॉर्ड। माइस्टर के जाते ही रॉब केटलिन से कहता है ये आप क्या कर रही हैं? केटलिन कहती है क्या मतलब, तुम्हें दिख नहीं रहा रॉब, तुम ऐसे सवाल भी कैसे कर सकते हो? रॉब भी कहता है अच्छा, पर आप ब्रैन के ही कमरे में पड़ी हुई हैं। जब पिताजी जा रहे थे तब आप उन्हें विदा करने भी नहीं आई थी। पर रॉब समझ जाता है कि ये सब कह के कोई फायदा नहीं, वो मुड़कर जाने लगता है। तभी केटलिन कहती है मैं नहीं आ सकती, मुझे नहीं पता कौन सा पल ब्रैन का आखिरी होगा, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे उस पल भी अकेला ना छोड़ूं। रॉब कहता है ब्रैन को कुछ नहीं होगा माँ, माइस्टर ल्यूविन ने कहा है ना कि खतरे का वक्त बीत चुका है। केटलिन कहती है और अगर माइस्टर गलत हुए तो, अगर ब्रैन को मेरी जरूरत पड़ी तो? रॉब दोबारा गुस्से से कहता है पर रिकॉन को आपकी ज्यादा जरूरत है माँ, वो सिर्फ 3 साल का है, वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे, वो दिन भर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, मैं सब कुछ नहीं संभाल सकता माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? केटलिन को भी याद आता है कि रॉब भी तो बस 14 साल का ही एक बच्चा है। तभी बाहर से भेड़ियों की आवाज आती है। रॉब खिड़की खोलता है और हवा और भेड़ियों की आवाज कमरे में आने लगती है। केटलिन कहती है कि खिड़की बंद करो रॉब, या उन भेड़ियों को चुप करवाओ, पर रॉब नहीं मानता। रॉब अचानक बाहर देखता है कि लाइब्रेरी टावर में आग लग चुकी है। रॉब केटलिन को ब्रैन के कमरे में छोड़कर बाहर भागता है ताकि लोगों को बुला सके।
केटलिन उठकर खिड़की के पास जाती है और उसे बंद कर देती है, पर वो देखती है कि कमरे में उसके और ब्रायन के अलावा एक और शख्स मौजूद था। जैसे ही वो शख्स एक खंजर निकालता है, केटलिन समझ जाती है। वो शख्स ब्रायन की तरफ बढ़ता है और केटलिन उसे रोकने जाती है। वो शख्स ब्रायन को मारने के लिए भेजा गया था। केटलिन और उस शख्स के बीच हाथापाई हो जाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे गुर्राने की आवाज आती है। वो ब्रायन का डायर वुल्फ था। वो उस आदमी पे कूद पड़ता है और उस आदमी का गला उधेड़ कर निकाल देता है। ब्रायन का डायर वुल्फ फिर चुपचाप ब्रायन के बगल में जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब वहां रॉब, माइस्टर और सर रॉड्रिक पहुंचते हैं तो वो उस शख्स के लाश को जमीन पर पड़ा देखते हैं। वो केटलिन को फिर उसके कमरे में लेके जाते हैं। माइस्टर केटलिन के लगे चोटों को साफ करते हैं और उसे सुला दिया जाता है। जब केटलिन जागती है तो सब उसे बताते हैं कि वो पिछले 4 दिनों से सो रही थी। वो जागते नाश्ता मांगती है और अब उसे एहसास होता है कि ब्रायन के हादसे के वजह से वो कितना बदल चुकी थी। पर अब वो दोबारा से विंटरफेल को संभालने का सोचती है। उसके नाश्ते के साथ रॉब भी मिलने आता है, साथ में सर रॉड्रिक, थियोन ग्रेजॉय और हैलिस मॉलेन भी आता है। हैलिस होम गार्ड्स का नया कैप्टन था। केटलिन पूछती है वो शख्स, उसके बारे में कुछ पता चला? हैलिस बताता है, नहीं माय लेडी, वो विंटरफेल का नहीं था। केटलिन कहती है, क्या वो सम्राट के कारवां के साथ आया था या लैनिस्टर्स के साथ? थियोन कहता है, पर वो इतने दिनों से अस्तबल में छुपा हुआ था, उसके बदबू से तो यही पता चल रहा है। रॉब बताता है कि उस आदमी के पास 90 चांदी के सिक्के थे। केटलिन कहती है, चलो मेरे बेटे के जान का सौदा सस्ते में नहीं हुआ था। हैलिस कहता है, आपको सच में लगता है कि वो ब्रायन को मारने आया था? केटलिन उन्हें सब बात बताती है। रॉब कहता है, पर कोई भी ब्रायन को क्यों मारना चाहेगा, वो तो बस अभी एक बच्चा है। केटलिन कहती है कि अगर तुम्हें एक दिन विंटरफेल पे राज करना है बेटे, तो ऐसे सवालों का जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तभी माइस्टर ल्यूविन भी कमरे में आते हैं। केटलिन माइस्टर से पूछती है, मेरा बेटा अब कैसा है माइस्टर? मास्टर बताते हैं कि ब्रायन की हालत अब भी वैसी ही है। केटलिन रॉब के तरफ देख के पूछती है, क्या हुआ, कोई जवाब मिला? रॉब कहता है, शायद ब्रायन से किसी को डर हो कि अगर वो जागता तो वो क्या कहेगा। केटलिन इस जवाब से खुश हो जाती है और होम गार्ड के नए कैप्टन से कहती है कि हमें ब्रायन की सुरक्षा बढ़ानी होगी, अगर आज एक हथियारा भेजा गया था तो और भी आ सकते हैं। हैलिस पूछता है कि कितने सिपाही चाहिए माय लेडी? केटलिन कहती है, मेरे पति के यहाँ नहीं होने की वजह से अब मेरा बेटा नया लॉर्ड ऑफ विंटरफेल है। रॉब हैलिस को सिपाही तैनात करने के आदेश दे देता है। हैलिस के वहाँ से जाने के बाद सर रॉड्रिक केटलिन से कहते हैं, क्या आपने उस हथियारे का खंजर देखा था? केटलिन बताती है कि वो उस हाथापाई में उतना ध्यान नहीं दी थी। सर रॉड्रिक बताते हैं कि वो खंजर वैलेरियन स्टील से बना हुआ था और एक ऐसे शख्स के पास उतनी कीमती चीज नहीं हो सकती, जरूर उसे वो खंजर किसी ने दिया होगा। केटलिन रॉब को दरवाजा बंद करने का इशारा करती है। दरवाजा बंद होने के बाद केटलिन कहती है, अब जो मैं कहने वाली हूँ वो बहुत खतरनाक हो सकता है, तो मुझे आप सबका वचन चाहिए कि ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अब थियोन, माइस्टर, सर रॉड्रिक और रॉब हाँ में जवाब देते हैं। केटलिन बताती है कि उसे जिस बात का शक है, अगर वो जरा भी सच है तो नेड और उसकी बेटियां बड़े खतरे में जा चुके हैं। केटलिन आगे बताती है, मेरी बहन लाइसा का संदेश मुझे मिला था। उसका कहना है कि लैनिस्टर्स ने ही उसके हस्बैंड जॉन एरिन का खून किया था और जिस दिन सम्राट शिकार पे गए थे जेमी नहीं गया था, वो यही विंटरफेल में था। तो हो सकता है कि ब्रायन उस ब्रोकन टावर से गिरा नहीं बल्कि उसे धक्का दिया गया है। इस पे सब दंग रह गए थे। सर रॉड्रिक कहते हैं, ये बहुत बड़ा इल्जाम है माय लेडी, एक बच्चे को मारने में किंग स्लेयर के भी हाथ कांप जाएंगे। थियोन कहता है, मुझे नहीं लगता। रॉब गुस्से में कहता है, अगर ये सच है माँ तो वो मेरे ही हाथों मारा जाएगा। सर रॉड्रिक कहता है कि लैनिस्टर्स तुमसे 100 कदम आगे हैं बच्चे, कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। मास्टर ल्यूविन कहते हैं, हमारे पास एक दलील है, हम यहाँ पे महारानी के भाई की बात कर रहे हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत होने चाहिए वरना हमें चुप ही रहना पड़ेगा। केटलिन जानती थी कि इन सब बातों का सबूत अब बस एक ही जगह मिल सकता है और वो कहती है, हम में से किसी को किंग्स लैंडिंग जाना होगा। रॉब कहता है, मैं जाऊंगा। केटलिन उसे मना कर देती है क्योंकि विंटरफेल में एक स्टार्क का होना बहुत जरूरी है। केटलिन थोड़ी देर बाद कहती है कि मुझे ही जाना चाहिए। मास्टर कहते हैं कि लैनिस्टर्स को आपके जाने से शक हो जाएगा माय लेडी। रॉब कहता है कि पर ब्रायन का क्या?
केटलिन कहती है कि ब्रायन की जिंदगी अब भगवान के हाथ में है रॉब, ब्रायन के लिए जो कुछ भी हो सकता था वो मैंने किया, अब मेरे दूसरे बच्चों को मेरी जरूरत है। थियोन ने कहा, आपको कई लोगों की जरूरत पड़ेगी माय लेडी। केटलिन कहती है, नहीं, ज्यादा लोग ध्यान खींचते हैं और मैं नहीं चाहती कि लैनिस्टर्स को पता चले कि मैं किंग्स लैंडिंग आ रही हूँ। सर रॉड्रिक कहते हैं, कम से कम मुझे आपके साथ चलने दीजिए माय लेडी। केटलिन थोड़ी देर सोचती है और मान जाती है। अब केटलिन कहती है, हम किंग्स रोड के जरिए नहीं जाएंगे, हम व्हाइट नाइफ नदी के रास्ते पहले व्हाइट हार्बर तक जाएंगे, फिर वहां से किंग्स लैंडिंग के लिए एक जहाज ले लेंगे। इस तरह हम नेड से पहले किंग्स लैंडिंग पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं कि हमें वहां क्या देखने को मिलता है। यहां किंग्स रोड पर जब नेड और रॉबर्ट बाहर गए हुए थे, तब यहां सांसा के टेंट में सांसा और सेप्टा मॉर्डेन बात कर रहे होते हैं। सेप्टा सांसा से कहती है कि आर्या को भी नाश्ता करके अच्छे कपड़े पहनने को कह देना, क्योंकि आज हमें महारानी और राजकुमारी मिर्सेला के साथ उनके रथ में जाने का निमंत्रण मिला है। अब सांसा तो पहले से ही तैयार थी और वो इस बात से भी खुश थी कि उसे युवराज जॉफरी के साथ भी सफर करने को मिलेगा, तो वो खुशी से भरी हुई थी, पर उसे इस बात का डर था कि कहीं आर्या आज सब कुछ बिगाड़ ना दे। सांसा अपने टेंट से बाहर आती है तो देखती है कि आर्या ट्राइडेंट के किनारे निमीरिया के साथ खेल रही होती है। सांसा उसे आके बताती है कि जल्दी से कपड़े बदल लो क्योंकि हमें महारानी के साथ सफर करना है। आर्या मना कर देती है और कहती है कि उसे एक लड़के माइका के साथ नदी में रूबी चुनने जाना है। सांसा कहती है, कौन से रूबीज? आर्या कहती है, अरे वो रूबीज जो रेगार के आर्मर से झड़े थे। सांसा कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, महारानी ने हमें निमंत्रण भेजा है। पर आर्या फिर भी मना कर देती है। अब वो किंग्स रोड पर दी नेक से नीचे आ चुके थे और ये सफर सांसा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वहीं आर्या इस पूरे सफर में अपने दोस्त माइका के साथ कीचड़ में खेलते हुए आ रही थी। सांसा को लगता था कि उसके पिता आर्या को कुछ कहेंगे, पर वो भी कुछ नहीं कह रहे थे। आर्या की एक आदत थी कि वो सम्राट के कारवां से अलग रास्ते पर भी निकल पड़ती थी, जिसपे सांसा उसे मना करती है, पर आर्या नहीं मानती। सांसा को हमेशा से आर्या की आदतें पता थी। आर्या को हमेशा से गरीबों से बात करने और दोस्ती करने की आदत थी और आर्या का ये दोस्त माइका, जो कि एक कसाई का बेटा था, सांसा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब सांसा का धैर्य जवाब दे चुका था और वो कहती है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा आर्या, वरना सेप्टा को बुरा लगेगा। आर्या सांसा के बातों को अनसुना कर देती है और वो निमीरिया के बालों को कंघी कर रही होती है। निमीरिया तंग होकर भाग जाती है और आर्या निमीरिया के पीछे भागती है। सांसा पीछे से चिल्लाती है कि वहां अच्छा खाना खाने को मिलेगा और महारानी से भी मिलने को मिलेगा। आर्या कहती है, मुझे महारानी से नहीं मिलना क्योंकि उन्हें निमीरिया पसंद नहीं। सांसा कहती है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अकेले जाऊंगी महारानी से मिलने और सारे लेमन केक्स भी खुद ही खाऊंगी। आर्या पलट कर कहती है, वो तुम्हें भी लेडी को नहीं ले जाने देंगे। सांसा दुखी मन होके कैंप के तरफ लौटने लगी और सोच रही थी, आर्या भी एक लड़की की तरह बर्ताव क्यों नहीं करती। सांसा के आंखों में आंसू थे, पर जैसे ही वो महारानी के रथ के नजदीक पहुंची तो उसने देखा कि रथ के चारों ओर भीड़ है और महारानी रथ से बाहर आकर कहती है, काउंसिल ने हम पर बड़ी दया दिखाई। सांसा को पूछने पे पता चलता है कि किंग्स लैंडिंग से सम्राट के काउंसिल ने कुछ लोगों को भेजा है ताकि वो सम्राट और महारानी की अगुवाई करे किंग्स लैंडिंग तक। भीड़ से होते हुए जैसे ही सांसा रथ के नजदीक पहुंची तो उसने देखा कि दो लोग आर्मर्स पहने हुए महारानी के आगे झुके हुए थे। जब वो खड़े हुए और दोनों ने अपना हेलमेट उतारा तो सांसा ने देखा कि उन दोनों में से एक बुजुर्ग थे, पर उनमें अभी भी दम था, वहीं दूसरा 20 साल का होगा। वो दोनों ने ही किंग्स गार्ड की वर्दी पहनी हुई थी। सांसा ने थोड़ी देर बाद ध्यान दिया कि इन दोनों के साथ एक तीसरा शख्स भी आया था। अब ये किंग्स गार्ड से नहीं था, पर वो चुपचाप कोने में खड़ा था। महारानी कहती है, सम्राट अभी शिकार पर गए हैं, पर जब वो लौटेंगे तो आप दोनों को देख उन्हें भी खुशी होगी। पर सांसा महारानी के बातों को नहीं सुन रही थी, बल्कि वो इस तीसरे शख्स को ही देख रही थी। तभी सांसा के कंधे पे पीछे से किसी ने हाथ रखा। ये सैंडोर क्लीगैन था। उसने सांसा से पूछा, तुम डर क्यों रही हो लड़की? सांसा जोर से चीख पड़ी और अपने डायर वुल्फ लेडी को कस के पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि वो किंग्स गार्ड के नाइट्स हाथों में तलवार लिए सांसा को ही देख रहे थे। महारानी कहती है, जॉफरी मदद करो उसकी। जॉफरी ने आते ही कहा, अकेला छोड़ दो उसे। वो सांसा को उठाता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं माई लेडी, और तुम सब अपनी तलवारें नीचे करो, वो डायर वुल्फ इसका पालतू है। सांसा जॉफरी से कहती है कि वो उन नाइट्स की नहीं बल्कि उस तीसरे शख्स के वजह से डर गई थी। तो उनमें से एक नाइट कहते हैं, पेन?
हाँ कभी कभी हम भी सर इलिन को देख के घबरा जाते हैं माई लेडी। इस पे महारानी कहती हैं, और सबको घबराना भी चाहिए क्योंकि जब लोग इंसाफ पे नहीं चलते तो किसी को इस चीज के लिए रखना ही पड़ता है। सांसा समझ जाती है कि सर इलिन पेन सम्राट के जल्लाद हैं। तब उन किंग्स गार्ड में से एक कहते हैं, आप जरूर लॉर्ड एडार्ड की बेटी हैं माई लेडी, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं बैरिस्टन सेल्मी हूँ किंग्स गार्ड से। और ये कहकर सर बैरिस्टन ने अपना सर झुकाया। अब सांसा इस नाम को पहचान गई और बड़ी अदब के साथ कही, मैं आपको जानती हूँ सर बैरिस्टन, और खुशी तो हमें है आपसे मिलके। किंग्स गार्ड के लॉर्ड कमांडर और सम्राट के सभासद, उत्तर में भी आप बैरिस्टन द बोल्ड के किस्से मशहूर हैं। जो दूसरे नाइट थे उन्होंने हंसते हुए कहा, आप इन्हें ज्यादा खुश ना कर दीजिए, चलिए जरा देखें कि आप हमें पहचान पाती हैं या नहीं। सांसा कहती है, मैं आपको भी जानती हूँ सर, आपके हेलमेट पे लगा 12 सिंघे के ये सींग और आपके आर्मर पर बेराथियन घराने का ये चिन्ह और आपकी उम्र ये बताती है कि आप सम्राट के छोटे भाई रेनली बेराथियन हैं, सम्राट के सभासद और स्टॉर्म्स एंड के लॉर्ड। तभी सर इलिन पेन सांसा के सामने आते हैं। सांसा कहती है कि अगर मैंने आपको ऑफेंड किया था तो मुझे माफ कर दें सर पेन। इलिन बिना कोई जवाब दिए चला जाता है और रेनली सांसा को बताता है कि सर पेन पिछले 14 सालों से कुछ नहीं बोले हैं। सरसी सांसा से कहती है कि सभासदों के आने की वजह से आज उनकी मुलाकात को टालना होगा क्योंकि महारानी और सम्राट को सभासदों से कुछ जरूरी बात करनी है। वो जॉफरी को सांसा के साथ जाने को कहती है। जॉफरी सांसा को लेके जाने लगता है और मन ही मन सांसा खुशी से भर चुकी थी। उसे पूरा एक दिन जॉफरी के साथ बिताने को मिला था। जॉफरी सांसा से पूछता है, तुम्हें क्या क्या पसंद है? सांसा कहती है, जो आपको पसंद हो युवराज। जॉफरी उसे अपने साथ घुड़सवारी के लिए कहता है और सांसा मान जाती है और लेडी को छोड़ के सांसा जॉफरी के साथ चली जाती है। उस दिन वो कई जगहों पर गए और जब उन्हें भूख लगी तो जॉफरी उसे खिलाने भी ले गया। खाने के बाद वो दोनों फिर घूमने निकले। सांसा कहती है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए, पर जॉफरी सांसा को वो जगह दिखाना चाहता था जहां रॉबर्ट ने रेगार को मारा था। तभी कुछ आवाज आती है और जॉफरी कहता है कि चलो देखते हैं कौन है। वो आवाजें कुछ ऐसी थी जैसे लकड़ी के फट्टे आपस में टकरा रहे हों। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं एक लड़का और एक लड़की लकड़ी को तलवार समझकर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ये देख के जॉफरी हंस पड़ता है और वो लड़का जॉफरी को देख के घबरा जाता है। सांसा उस लड़की को देख के कहती है, आर्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉफरी सांसा के तरफ देख के कहता है, ये लड़की तुम्हारी बहन है? फिर जॉफरी उस लड़के से पूछता है, और तुम कौन हो लड़के? वो लड़का कहता है, मेरा नाम माइका है माई लॉर्ड। सांसा कहती है कि ये वो कसाई का लड़का है। जॉफरी कहता है, कसाई का बेटा जो नाइट बनना चाहता है? अपनी तलवार उठाओ कसाई के लड़के, जरा देखे तुम कितने अच्छे तलवारबाज हो। माइका डर चुका था। जॉफरी उससे कहता है कि अपनी तलवार उठाओ। माइका जॉफरी को बताता है कि वो बस एक लकड़ी है माई लॉर्ड, कोई तलवार नहीं। जॉफरी कहता है, और तुम एक कसाई के बेटे हो ना कि कोई नाइट। और जॉफरी अपना तलवार माइका के गाल पर सटा देता है। उस तलवार की वजह से माइका के गाल से खून बहने लगता है। सांसा कुछ समझ भी पाती कि आर्या अपनी लकड़ी जॉफरी के सर पर मार के तोड़ देती है। अब ये देखते ही माइका वहां से भाग गया। आर्या जॉफरी पर पत्थर फेंकने लगी। जॉफरी गालियां देता हुआ आर्या के पीछे भागा और तभी सांसा के पीछे से निमिरिया वहां पहुंच गई और वो जॉफरी के हाथ पर काटी। अब इस वजह से जॉफरी का तलवार उसके हाथ से छूट गया और जॉफरी दर्द से चिल्लाने लगा। आर्या ने निमिरिया को आवाज लगाई और निमिरिया उसके पास पहुंच गई। सांसा कहती है, जॉफरी को अकेला छोड़ दो आर्या। आर्या जॉफरी के तलवार को ट्राइडेंट नदी में फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। जॉफरी सांसा से कहता है कि मेरे लिए मदद लेकर आओ। अब इस हादसे को हुए 4 दिन बीत चुके थे और आर्या की कोई खबर नहीं थी। नेड और लैनिस्टर के लोग आर्या को ढूंढ रहे थे। तभी नेड के पास खबर आती है कि आर्या मिल चुकी है, पर उसे नेड के पास लाने के बजाय सीधे सम्राट के सामने पेश किया जा रहा है। नेड तुरंत सभा की ओर निकलता है और अपने लोगों से कहता है कि सांसा को भी लेकर सभा में पहुंचो। अब जहां पे सम्राट रुके हुए थे पिछले 4 दिनों से, वो एक छोटा सा किला था सर रेमन डेरी का। अब सर डेरी और सम्राट की बनती नहीं थी क्योंकि डेरी घराना विद्रोह के वक्त मैड किंग के वफादार थे। सर डेरी के सभा में सम्राट बैठे हुए थे। सरसी और जॉफरी भी वहीं थे। नेड भी वहां पहुंच जाता है।
आर्या ने जब नेड को देखा तो अपने पिता से लिपट कर रोने लगी और माफी मांगने लगी। नेड उससे पूछता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। अब नेड जब उस सभा को देखता है तो वहाँ सिर्फ कुछ जाने पहचाने लोगों के अलावा सभी लैनिस्टर के लोग थे। नेड गुस्से में पूछता है, इन सब का क्या मतलब है? मुझे क्यों नहीं बताया गया कि मेरी बेटी मिल चुकी है? सर्सी ने जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सम्राट से ऊंची आवाज में बात करने की? रॉबर्ट सर्सी से कहता है, अपना मुंह बंद रखो तुम। अब रॉबर्ट नेड से कहता है, माफ करना दोस्त, पर हमने इसे यहाँ इसलिए बुला लिया ताकि मामला जल्दी निपटा लिया जाए। नेड पूछता है, कैसा मामला? सर्सी कहती है, तुम अच्छे से जानते हो स्टार, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे पे हमला किया, उसका बांह लगभग खत्म ही हो चुका था। आर्या जोर से चिल्लाती है, ये सच नहीं है, वो माइका को चोट पहुंचा रहा था। सर्सी कहती है, जॉफरी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि किस तरह तुम और तुम्हारा दोस्त इसे डंडों से पीटने के बाद इसके पीछे अपने डायर वुल्फ को छोड़ दिए थे। आर्या दोबारा चिल्लाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इस बार जॉफरी भी चिल्लाया, ऐसा ही हुआ था और इसने मेरी तलवार भी फेंक दी। आर्या भी चिल्लाती है, झूठे कहीं के। रॉबर्ट तंग आकर चिल्लाता है, बस बहुत हुआ। और रॉबर्ट आर्या से कहता है, बेटा मुझे बताओ सच क्या है, और हाँ, अपने सम्राट से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, तो सब कुछ सच बताना। फिर रॉबर्ट जॉफरी के तरफ मुड़कर कहता है, इसकी बात सुनने के बाद तुम अपनी बात रखना और तब तक के लिए अपना मुंह बंद रखना। जब तक आर्या अपनी कहानी सुना रही होती है, नेड देखता है कि सांसा भी वहाँ आ चुकी थी। आर्या के बाद रॉबर्ट जॉफरी को अपनी बात रखने को कहता है। सारी बात खत्म होने के बाद रॉबर्ट कहता है, अब इन सब का क्या मतलब निकालूं मैं? ये बच्ची कुछ और कहती है, ये लड़का कुछ और कहता है। नेड सांसा को आगे सब सच बताने को कहता है, पर सांसा पलट जाती है और कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। अब ये सुनते आर्या सांसा पे कूद पड़ती है और उसे मारने लग जाती है। सर्सी कहती है, ये लड़की भी अपने उस जानवर की तरह ही जंगली है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे सजा दें। रॉबर्ट कहता है, सच में सर्सी, जरा देखो इसे, ये एक बच्ची है, ये बस बच्चों की लड़ाई थी और कुछ नहीं। नेड अपनी इस बेटी पे ध्यान दो और मैं अपने बेटे पे। नेड कहता है, जी सम्राट। रॉबर्ट वहां से जाने लगता है, तभी सर्सी कहती है, उस डायर वुल्फ का क्या जिसने आपके बेटे की ये हालत कर दी? रॉबर्ट जाते जाते रुक जाता है। सर्सी कहती है कि जो भी उस डायर वुल्फ को मार कर लाएगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगी। रॉबर्ट वहां से जाने लगता है। सर्सी रॉबर्ट से कहती है कि मुझे लगा था कि आप उस भेड़िये की खाल हमें ला कर देंगे। रॉबर्ट कहता है, पर वो भेड़िया यहाँ नहीं है। सर्सी उसे बताती है कि एक भेड़िया तो है। रॉबर्ट कहता है, तुम्हें जो करना है करूँ। नेड रॉबर्ट को ऐसा करने से मना करना चाहता है। सांसा को अब समझ में आता है कि वो उसकी डायरवुल्फ लेडी के पास जा रहे हैं। सांसा रोने लग जाती है कि लेडी की इसमें कोई गलती नहीं थी। नेड भी रॉबर्ट से कहता है कि ऐसा मत करो रॉबर्ट, हमारे दोस्ती के खातिर ऐसा मत करो। रॉबर्ट सर्सी की तरफ देख कर कहता है, भौड़ में जाओ सर्सी। तभी नेड रॉबर्ट से कहता है कि वो लेडी को खुद अपने हाथों से मारे। रॉबर्ट बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सर्सी सर इलिन पेन को भेज रही होती है, तभी नेड मना कर देता है और कहता है कि ये काम वो खुद अपने हाथों से करेगा। वो उस सभा से गुस्से से निकला, उसके कानों में उसकी बेटी की चीखें सुनाई दे रही थी। नेड लेडी के पास जाकर बैठता है। लेडी बड़े प्यार से अपने छोटे छोटे आंखों से नेड को देख रही थी। तभी जॉरी नेड की तलवार ले आता है। जब ये सब खत्म हुआ तो नेड जॉरी से कहता है कि 4 आदमी लो और लेडी को लेके नॉर्थ जाओ और इसे वहीं दफनाना। जब नेड अपने कमरे की ओर लौट रहा होता है तो वो सैंडोर क्लिगैन को किले में प्रवेश करते देखता है। क्लिगैन ने अपने घोड़े पे कुछ लाद रखा था। नेड जब कपड़ा हटा के देखता है तो वो माइका की लाश थी, लगभग बीच से कटी हुई। नेड कहता है, तुमने इसे मारा? क्लिगैन कहता है, ये लड़का भाग रहा था पर ज्यादा तेज नहीं भाग पाया। यहाँ विंटरफेल में ब्रायन को लगता है कि जैसे वो सालों से बस गिर ही रहा है। उसके दिमाग में एक आवाज आती है, उड़ने की कोशिश करो। पर ब्रायन को पता नहीं था कि उड़ते कैसे हैं। ब्रायन सोचता है कि उसे उड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस वक्त वो नीचे जमीन पे गिरेगा वो अपने नींद से उठ जाएगा। तभी वो आवाज कहती है, और अगर तुम नहीं जाके तो उड़ने की कोशिश करो। ब्रायन कहता है, मुझे उड़ना नहीं आता। तभी वो आवाज कहती है, तुम कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हें पहले कभी कोशिश की थी? ब्रायन को एहसास होता है कि जमीन नजदीक आ रही है। वो कहता है, मेरी मदद करो। और इस बार वो देखता है कि वो आवाज असल में एक कौवे की थी। वो कौवा कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास दाने हैं? ब्रायन अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ मकई के दाने निकालता है। वो कौवा उसके हाथ पर बैठ के दाने चुगने लगता है। ब्रायन उससे पूछता है, क्या तुम सच में कौवे हो? वो कौवा कहता है, और क्या तुम सच में गिर रहे हो? ब्रायन कहता है, मैं जैसे ही जमीन पर गिरूंगा मैं जाग जाऊंगा। वो कौवा कहता है, तुम
जमीन पर गिरोगे तो तुम मर जाओगे और ऐसे नहीं चलने वाला, तुम्हें उड़ना होगा। रोने से कुछ नहीं होने वाला, ब्रैन कहता है। पर तुम्हारे पास तो पंख है ना, वो कौवा कहता है। शायद तुम्हारे पास भी हूँ, और वो कौवा ब्रैन के सीने पे आके बैठ जाता है। ब्रैन उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो कौवा कहता है, उड़ना सिखा रहा हूँ। ब्रैन कहता है, मैं नहीं उड़ सकता, मैं गिर रहा हूँ। वो कौवा कहता है, हर उड़ान गिरने से ही तो शुरू होता है। ब्रैन अब और तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा था, उसे अब सब कुछ साफ दिख रहा था। फिर वो अपने चारों ओर कुछ परछाइयों को देखता है, उनमें से एक बिल्कुल काले रंग का था, दूसरा परछाई सूरज की तरह चमकीला था, और एक तीसरा परछाई था पहले वाले दोनों से बड़ा, पत्थरों से बना, आर्मर पहने हुए। जब ब्रैन ईस्ट की तरफ नजर घुमा के देखता है तो उसे एसोस के फ्री सिटीज दिख रहे होते हैं, वायस डोथराक के हरे मैदान दिखते हैं, उसे जेड सी की जादुई धरती दिखती है, और अशाई भी, जहां ड्रैगन्स आज भी रहते हैं। फिर ब्रैन नॉर्थ की तरफ देखा, जहां उसे वॉल दिख रहा था। वॉल से भी आगे उसे बर्फ के मैदान और जमी हुई नदियां दिखती हैं। उससे भी नॉर्थ में उसे रोशनी की एक दीवार दिखती है, और जब उससे वो आगे देखा तो ब्रैन को ठंड की गहराई दिखी, और ब्रैन डर से रोने लगा। वो कौवा ब्रैन से कहता है कि अब तुम देख चुके हो ब्रैन कि तुम्हें क्यों जीना है। ब्रैन पूछता है, क्यों? वो कौवा जवाब देता है, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। तभी ब्रैन जब उस कौवे को ध्यान से देखता है तो उस कौवे की तीन आंखें थी। ब्रैन नीचे देखता है तो जमीन गायब थी, अब वहां उसे बर्फीले भाले दिख रहे थे जिसपे बाकी सपने देखने वालों की लाशें लटकी हुई थी। वो कौवा ब्रैन से कहता है, अब तुम्हें चुनना है ब्रैन, उड़ना है या मरना है। तभी ब्रैन अपनी बाजुएं फैलाता है और देखते ही देखते वो उड़ने लगता है। ब्रैन को अब मजा आ रहा था। वहीं उस कौवे की चोंच ब्रैन के सर से टकराती है और ब्रैन गहरे काले धुएं से घिर जाता है, और अब देखता है कि वो कौवा असल में एक औरत में बदल जाती है। ब्रैन उस औरत को पहचानता था, उसने उस औरत को कहीं तो देखा था। तब उसे याद आता है कि उसने तो उसे विंटरफेल में ही देखा था। तभी वो खुद को विंटरफेल में पाता है, एक ठंडे कमरे में। उसकी दासी चिल्लाते हुए भागती है, क्योंकि ब्रैन आखिरकार जाग चुका था। ब्रैन जागते ही अपने सर को छूकर देखता है जहां उस कौवे ने चोंच मारी थी, पर वहां कोई चोट नहीं थी। ब्रैन बड़ा कमजोर महसूस करता है, और थोड़ी देर बाद वो अपने डायरवुल्फ को देखता है। वो डायरवुल्फ अब काफी बड़ा हो चुका था। जब रॉब ब्रैन के कमरे में आता है तो देखता है कि ब्रैन अपने डायरवुल्फ के साथ खेल रहा है, और ब्रैन बताता है कि उसने अपने डायरवुल्फ का नाम समर रखा है। यहाँ दूसरी तरफ केटलिन किंग्स लैंडिंग के लिए निकल चुकी थी। वो नैरो सी से होते हुए किंग्स लैंडिंग जा रही थी, तभी जहाज के कप्तान की आवाज आती है, हम कुछ ही देर में किंग्स लैंडिंग पहुंचने वाले हैं। केटलिन कहती है, आपके नाविकों ने भी अच्छा काम किया है कप्तान, उन सबको हमारे तरफ से एक एक चांदी की सिक्के दी जाएंगी। कैप्टन मोरियो टर्नाइटिस केटलिन के आगे झुककर कहते हैं, आप बहुत दयालु हैं माय लेडी, आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज था। केटलिन और सर रॉड्रिक कैप्टन मोरियो की सबसे तेज जहाज स्टॉर्म डांसर में सवार थे। सर रॉड्रिक भी डेक पर पहुंचते हैं। उनका सफर अड़चनों से भरा हुआ था, पर केटलिन सर रॉड्रिक को बताती है कि वो किंग्स लैंडिंग पहुंचने वाले हैं। सर रॉड्रिक अपनी मूंछें कटवा चुके थे ताकि उन्हें कोई पहचाने नहीं। कैप्टन मोरियो उन्हें अकेले छोड़ देता है ताकि लेडी स्टार्क और सर रॉड्रिक बात कर सके। केटलिन सर रॉड्रिक से कहती है, हम आखिरकार यहाँ पहुँच गए सर रॉड्रिक, अब आपको बस महल के हथियार खाने के प्रबंधक से मिलना होगा, बस वो ईमानदार निकले। सर रॉड्रिक कहते हैं, सर एरन सेंटागार एक ईमानदार इंसान है लेडी, आप उन पर भरोसा कर सकती हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि जिस वक्त हम किंग्स लैंडिंग पहुँच जाएंगे तब कोई आपको पहचान ना ले। केटलिन ने कहा, लिटिल फिंगर। अब ये कहते उसका चेहरा केटलिन को याद आ गया। केटलिन लिटिल फिंगर से बचपन में मिली थी, उसे ये नाम उसके बड़े भाई ने दिया था। वो बेलिश घराने से आता था जो वेल से आगे फिंगर्स में रहते थे, और पेटिर बेलिश बचपन से छोटी कद का भी था। सर रॉड्रिक कहते हैं, मैंने लॉर्ड बेलिश के बारे में सुना है। इसके आगे केटलिन कहती है, हाँ बेलिश मेरे पिता का दास था, वो रिवर रन में मेरे ही साथ बड़ा हुआ था। मैं उसे भाई मानती थी, पर वो मुझे बहन के बजाय कुछ और ही मानता था। जब मेरी शादी ब्रैंडन स्टार्क से तय कर दी गई थी तो उसने ब्रैंडन को चुनौती दी थी। ब्रैंडन ने उसे बस एक चोट के बाद बख्श दिया था। फिर ब्रैंडन की मौत के बाद बेलिश ने मुझे चिट्ठी लिखी थी, मैंने उसे बिना पढ़े जला दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि ब्रैंडन के बाद उनके भाई नेड की शादी मुझसे होगी। सर रॉड्रिक कहते हैं, मैंने सुना है कि लॉर्ड बेलिश अब मुख्य सभासदों में से एक हैं। केटलिन बताती है कि बेलिश बचपन से ही बहुत चालाक और तेज था, पर वो भी जानना चाहती थी कि इतने सालों में बेलिश क्या अभी भी वैसा ही है।
अब जहाज से किंग्स लैंडिंग का शहर दिखने लगा था। केटलिन जानती थी कि आज से 300 साल पहले ये सब कुछ जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ ब्लैक वाटर रश नदी के किनारे कुछ जंगली मछुआरे लोग रहा करते थे। अब जब एगोन द कॉन्करर अपने लोगों के साथ ड्रैगन स्टोन से यहाँ आए, तब उन्होंने इस जगह पे अपना राजधानी बनाया और आज किंग्स लैंडिंग का शहर पूरे वेस्टेरोस का सबसे बड़ा शहर था। जहाँ तक नजर जाती हो वहाँ तक सिर्फ बाजार, सराय, अनाज गोदाम, व्यापारियों की दुकानें, मैखाने, कब्रिस्तान और वैश्यालय दिखाई देते थे। अब किंग्स लैंडिंग का शहर 3 पहाड़ियों पे बसाया गया था। केटलिन इतने दूर से भी वहाँ के मछली बाजार का शोर सुन सकती थी। किंग्स लैंडिंग के सड़कों के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई थी और भीड़ इतना कि दो लोग साथ में ना चल पाए। उन पहाड़ियों में से एक विसेन्याज हिल पर था द ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलोर अपने 7 विशाल मीनारों के साथ। वहीं शहर के दूसरे तरफ था हिल ऑफ रेनिस, जहां था खंडर बन चुका ड्रैगन पिट। इसके दरवाजे आज से 100 साल पहले बंद कर दिए गए थे। इन दोनों पहाड़ियों के बीच से एक सड़क गुजरती थी जिसका नाम द स्ट्रीट ऑफ द सिस्टर्स था, और उन दोनों पहाड़ियों से भी ऊपर था हिल ऑफ एगोन, जहां पर स्थित था द रेड कीप। 7 बड़े गुंबद के शिखर वाले मीनार, बड़े सभागृह, कई पुल, नाकाबंदी, तहखाने, अनाज के गोदाम, बड़े पर्दे जिन मीनारों के ऊपर तीरंदाज तैनात थे, और ये सब लाल पत्थरों से बनाया गया था। इस महल को एगोन द कॉन्करर ने बनवाना शुरू किया था और ये एगोन के बेटे मेगोर द क्रूएल के दौर में जाके खत्म हुआ था। कहानियों में कहा जाता है कि रेड कीप के निर्माण के बाद हरेक मजदूर, मिस्त्री और शिल्पकार के सर कटवा दिए गए थे, पर आज इस महल के दीवारों से काले रंग के बजाय सुनहरे रंग के पर्दे लटक रहे थे। उन पर 3 सिर वाले ड्रैगन के बजाय बैराथियन घराने का क्राउन स्टैग था। जैसे ही केटलिन का जहाज किनारे लगता है, सर रॉड्रिक केटलिन से कहते हैं, आप यहीं रुकिए माय लेडी, मैं राजमहल जाके सर एरोन को ले आता हूँ। केटलिन कहती है कि कहीं महल में कोई सर रॉड्रिक को पहचान ना ले। सर रॉड्रिक बताते हैं कि उन्होंने लगभग 40 साल बाद अपनी मूछें हटाई हैं, उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। तब तक कैप्टन मोरियो भी कहते हैं, किंग्स लैंडिंग में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका सामान भी राजमहल पहुंचवा दूं? केटलिन कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे बस ये बताइए कि क्या यहाँ आसपास कोई ढंग के रहने की जगह है। कैप्टन मोरियो कहते हैं, ऐसी जगह है तो माय लेडी, पर वादे के तहत आप हमारा आधा किराया दे देती और वो 60 चांदी की मोहरे भी जिनके बारे में आपने कहा था तो अच्छा होता। केटलिन उन्हें पैसे देकर वहां से निकलती है विसेन्याज हिल की तरफ, जहां पे मोरियो ने जगह बताया था। वो वहां एक बड़ा कमरा किराए पर ले लेते हैं। सर रॉड्रिक केटलिन से कहते हैं, आप खिड़कियों से दूर रहिएगा माय लेडी, मैं सर एरोन को लेकर रात तक वापिस आ जाऊंगा, आप तब तक आराम कर लीजिए। केटलिन जो कि बहुत थकी हुई थी, वो सर रॉड्रिक के जाते ही सो गई। वो जब जागी तब कोई दरवाजा जोरों से पीटे जा रहा था, तभी एक आवाज भी आती है, सम्राट के नाम पे दरवाजा खोलो। केटलिन डर जाती है और वो एक खंजर लेके दरवाजा खोलती है। वो लोग सिटी वॉच से थे। वो मुस्कुराते हुए केटलिन से बोले, इस खंजर की कोई जरूरत नहीं माय लेडी, हम बस आपको महल ले जाने आए हैं। केटलिन पूछती है, किसके आदेश से? उन्होंने एक रिबन निकाल के दिखाया, उस पर एक मुहर था जिसपे एक मॉकिंग बर्ड का चिन्ह था। केटलिन समझ जाती है कि ये पेटिर बेलिश का ही काम है। वो उन सिपाहियों से पूछती है, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? वो सिपाही कहते हैं, नहीं माय लेडी, लॉर्ड बेलिश का बस यही कहना था कि आपको उनके पास लाया जाए और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब केटलिन कहती है कि मैं तैयार होके आती हूँ। अब केटलिन सोच रही होती है कि आखिर बेलिश को कैसे पता चला? क्या सर रॉड्रिक पकड़े गए? क्या लैनिस्टर्स उनसे पहले किंग्स लैंडिंग पहुंच गए हैं? फिर उसे याद आता है कि वो कप्तान मोरियो, उसी ने खबर दी होगी। सिटी वॉच के लोग केटलिन को लेके महल पहुंचे। बेलिश अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसने केटलिन को देखते ही कहा, कैट। केटलिन उसे कहती है, मुझे यहाँ इस तरह बुलाने का क्या मतलब है? बेलिश सिपाहियों को आदेश देता है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। फिर बेलिश कहता है, आशा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ आने में तकलीफ ना हुई हो, मैंने उन सिपाहियों को कड़े निर्देश दिए थे। बेलिश केटलिन के हाथ में बंधा बैंडेज देखता है और कहता है, ये तुम्हारा हाथ? केटलिन उसकी बात को काटते हुए कहती है कि मुझे किसी वैश्या के तरह लाए जाने की आदत नहीं बेलिश, तुम सलीके के बारे में सीखे ही होगे। बेलिश कहता है, क्या मैंने आपको गुस्सा दिला दिया माय लेडी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। केटलिन कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं शहर में हूँ? बेलिश कहता है, लॉर्ड वैरिस को सब पता होता है और वो थोड़ी ही देर में आते भी होंगे। मैंने आपको पहले बुला लिया क्योंकि मुझे आपसे मिलना भी था। तो कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं? केटलिन कहती है, तो सम्राट के मकड़ी ने मुझे ढूंढा। बेलिश कहता है, ओ उसे ये मत बोलना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक किन्नर होने के नाते वो बड़े संवेदनशील है।
मैंने सुना है कि इस शहर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो लॉर्ड वैरिस को पता ना रहता हो, और आज उन्हें तुम्हारे बारे में भी पता चला तो उन्होंने सीधा मुझे खबर दे दी। केटलिन पूछती है, तुम्हें ही क्यों? बेलिश कहता है, भला वो और किसे बताते हैं? मैं रियासत का खजांची हूँ, सम्राट का सभासद हूँ। लॉर्ड रेनली और लॉर्ड सेल्मी किंग्स रोड पे गए हुए हैं सम्राट को लाने, लॉर्ड स्टैनिस ड्रैगन स्टोन गए हुए हैं, महल में सिर्फ मैं और मास्टर पाइसेल थे, तो बेशक वो मुझे ही बताते। और वैसे भी लॉर्ड वैरिस जानते हैं कि मैं तुम्हारा और लाइसा का अच्छा दोस्त हूँ, और वैसे भी लॉर्ड वैरिस हर चीज जानते हैं सिवाय इसके कि आप यहाँ क्यों आई हैं। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? केटलिन कहती है, एक पत्नी को अपने पति से और एक माँ को अपने बच्चों से मिलने का पूरा हक है। बेलिश कहता है, अच्छी बात है, पर क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके इस बात को मानूंगा? मैं आपको अच्छे से जानता हूँ केटलिन, वजह कुछ और है। और वैसे भी टली घराने का नीति वाक्य क्या था? केटलिन कहती है, परिवार कर्तव्य सम्मान। बेलिश कहता है, परिवार कर्तव्य और सम्मान, जो कि तीनों विंटरफेल में था आपके लिए, तो कुछ तो बात जरूर है माय लेडी। आपका अचानक से यहाँ आने का कुछ तो कारण होगा, आप मुझे मदद करने दीजिए। वैसे भी दोस्त कब काम आते हैं? तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बेलिश कहता है, अंदर आओ। अब जो उस कमरे में आया वो शख्स मोटा सा, छोटे कद का और गंजे सर वाला था। उसने केटलिन को देखकर कहा, माय लेडी कितने वक्त बाद आपसे मिलना हुआ। वो केटलिन के हाथों को देखते हुए कहता है, ओह माय लेडी, आपके हाथों को क्या हुआ? क्या आप जल गई थी? मास्टर पाइसल काफी अच्छा काढ़ा बनाते हैं, आप कहें तो मैं आपको पहुंचवा देता हूं। केटलिन कहती है, जी शुक्रिया माय लॉर्ड, पर इसकी कोई जरूरत नहीं। लॉर्ड वैरिस आगे कहते हैं, मैं आपके बेटे के बारे में सुन के दुखी हुआ माय लेडी। वैसे मैं मानता हूँ कि हम सब सम्राट रॉबर्ट के प्रति काफी प्रेम रखते हैं। केटलिन ने कहा, जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। वैरिस आगे कहते हैं, मैं फ्री सिटीज में कई वैद्यों को जानता हूँ माय लेडी, आप कहें तो मैं आपके बेटे के लिए उन्हें विंटरफेल भिजवा दूँ। केटलिन कहती है, शुक्रिया, पर मास्टर ल्यूविन से जो हो सक रहा है वो कर रहे हैं। वैसे बेलिश मुझे बता रहे थे कि यहाँ लाने में मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। लॉर्ड वैरिस मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओह उसके लिए माफ कीजिएगा माय लेडी, पर क्या मैं वो खंजर देख सकता हूँ? अब इस बात से केटलिन दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे उस खंजर के बारे में कैसे पता, पर खंजर दिखाने से पहले वो पूछती है, सर रॉड्रिक के साथ आप सबने क्या किया? लॉर्ड बेलिश कहते हैं, मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है, पर मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ किस खंजर की बात हो रही है और ये सर रॉड्रिक कौन है? लॉर्ड वैरिस कहते हैं, सर रॉड्रिक कैसेल विंटरफेल के हथियार खाने के प्रबंधक है। वैरिस आगे कहते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ माय लेडी कि सर रॉड्रिक बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो आज दोपहर में आए थे राजमहल में, वो महल के हथियार खाने में सर एरन सेंटागार से भी मिले, उन्होंने किसी खंजर को लेके बात की और फिर वो दोनों साथ में चले गए। अब इस वक्त वो उसी घर में आपका इंतजार कर रहे हैं जहाँ आप ठहरी हुई थी, वो आपको वहाँ ना पा करके बहुत परेशान हो गए हैं। केटलिन कहती है, ये सब आपको कैसे पता? वैरिस कहता है, मेरे छोटे छोटे पक्षी मुझे बताते हैं माय लेडी, यही तो मेरा काम है। तो बताइए वो खंजर अभी भी आपके पास है ना? केटलिन उस खंजर को निकाल कर सामने मेज पर रख दी और कहा, देखिए इस, शायद आपके छोटे पक्षी इसके मालिक का नाम बता दे। वैरिस उस खंजर को उठाकर देखते हैं, तभी बेलिश कहते हैं, एक वेलेरियन स्टील की धार का कोई जवाब नहीं। फिर बेलिश उस खंजर को देखते हैं, उसे हवा में उछाल के दूसरे हाथ से पकड़ते हैं और कहते हैं, ये काफी संतुलित है। इस खंजर के लिए आपको सर एरॉन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको सीधा मेरे पास आना चाहिए था। केटलिन कहती है, अच्छा, और अगर मैं आ भी जाती तो आप मुझे क्या बताते? बेलिश कहता है, बताना क्या है, पूरे किंग्स लैंडिंग में ऐसा खंजर सिर्फ एक ही है और ये मेरा है। केटलिन कहती है, आपका? अब इस बात का कोई तुक नहीं बन रहा था क्योंकि बेलिश तो विंटरफेल आया भी नहीं था। बेलिश बताता है, जब युवराज के सम्मान में पिछली बार समारोह आयोजित हुआ था उस वक्त मैंने सर जेमी पे दाव लगाया था, पर जब लॉरेस टायरल ने उन्हें हरा दिया तो हम सब ने काफी कुछ हारा। सर जेमी 100 सोने के मोहरे हार गए, महारानी अपना एमराल्ड पेंडेंट हार गई और मैं अपना खंजर हार गया। केटलिन पूछती है कि हार गए पर किससे? बेलिश कहता है, वो बौना टिरियन लैनिस्टर। अब कहानी शिफ्ट होती है दी वॉल पे। तलवारों के शोर से कासल ब्लैक का आंगन गूंज उठा था। यहाँ जॉन स्नो और एक ग्रेन नाम का लड़का तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। जॉन ग्रेन को हरा देता है और निरस्त्र कर देता है। तभी पीछे से सर एलिसर थॉर्न की आवाज आती है, रुको।
ग्रेन रोते हुए कहा, इस नाजायज ने मेरा हाथ तोड़ दिया। सर एलिसर कहते हैं, इस नाजायज ने तुम्हारा पैर, सर, सीना और हाथ तक काट दिए थे अगर ये तलवारें असली होती तो। वो बाकी लड़कों को ग्रेन को उठाने का आदेश देते हैं और जॉन से आके पूछते हैं, कहीं तुम थक तो नहीं गए लॉर्ड स्नो? अब जॉन को ये पसंद नहीं था कि उसे लॉर्ड स्नो कहा जाए। वो जानता था कि ये उसे चिढ़ाने के लिए कहा जाता है, पर जॉन फिर भी जवाब देता है, नहीं उस्ताद। तभी वो जॉन की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, सच बताओ। जॉन कहता है, हाँ मैं थक चुका हूँ। सर एलिसर कहते हैं, तुम अभी भी कमजोर हो जॉन। जॉन कहता है, पर मैं जीत तो गया। सर एलिसर कहते हैं, नहीं, वो लड़का हार गया तुमसे। अब इस बात से जॉन चिढ़ जाता है क्योंकि जॉन ये मानता था कि सर एलिसर उससे नफरत करते हैं। जॉन वहाँ के हरेक लड़के को हरा चुका था, पर फिर भी सर एलिसर जॉन का मजाक ही बनाते थे। जॉन अब सर एलिसर और वहाँ के लड़के दोनों से नफरत करने लगा था। जॉन वहाँ से हथियार खाने की तरफ चल देता है। जॉन की प्रशिक्षण जिस समूह के साथ हो रही थी उसमें 20 लड़के थे। सभी जॉन से उम्र में बड़े, पर उनमें से कोई भी जॉन को हरा नहीं पाया था। डेरियन तेज था, पर वो चोट लगने से डरता था। पिप तलवार को खंजर की तरह पकड़ता था। जेरेन काफी कमजोर था। ग्रेन काफी धीमा था। हेल्डर जोर से मारता तो था, पर उसे हराना आसान होता था। जॉन हथियार खाने में पहुंच के अपना आर्मर उतारने लगता है। उसे फिर वहां के ठंड का एहसास होता है। वो सोचता रहता है कि नाइट्स वॉच ऐसी जगह होगी ये किसी ने नहीं बताया था सिवाय टिरियन के। यहाँ आने के बाद उसके अंकल बेंजन भी एक दूसरे ही इंसान बन जाते थे। उनका ज्यादातर वक्त वो लॉर्ड कमांडर मॉर्मोंट और मास्टर एमॉन के साथ बिताते थे और जॉन को सर थॉर्न के हवाले छोड़ दिया गया था। जॉन के यहाँ आने के 3 दिन बाद से उसे पता चला था कि उसके अंकल 6 लोगों की एक टुकड़ी के साथ वॉल के उस पार निगरानी के लिए जाने वाले हैं। जॉन उनसे उसे भी साथ ले चलने को कहता है, पर उसके अंकल उसे साफ मना कर देते हैं, ये कहकर कि ये विंटरफेल नहीं है और तुम अभी बस एक नौसिखिए हो, ना कि कोई रेंजर। जॉन कहता है, पर मैं अगले जन्मदिन को 15 का हो जाऊंगा, फिर तो मैं कोई बच्चा नहीं रहूंगा। इस पे उसके अंकल कहते हैं, तुम एक बच्चे हो जॉन, और तुम तब तक एक बच्चे ही रहोगे जब तक सर एलिसर तुम्हें नाइट्स वॉच में शामिल हो सकने तक तैयार ना कर दें। अगर तुम्हें लगा था कि स्टार्क्स के परिवार के होने की वजह से यहाँ नाइट्स वॉच में तुम्हारा काम आसान हो जाएगा तो तुम गलत थे लड़के। हम यहाँ अपने परिवारों को छोड़कर अपने भाईचारे की शपथ लेते हैं। तुम्हारे पिता से मेरा रिश्ता जरूर है जॉन, पर ये लोग मेरे अपनों से भी बढ़कर हैं। और अगले ही दिन उसके अंकल अपने लोगों के साथ निगरानी के लिए निकल पड़ते हैं। अपने अंकल को जाते वक्त जब जॉन देख रहा था तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है जहां वो अपने अंकल की लाश देखता है, पर वो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालने लगता है। जॉन ज्यादातर अपना वक्त अकेले बिताता था। कासल ब्लैक में कोई गॉड्सवुड नहीं था, बस एक प्रार्थना घर था, पर जॉन वहां कभी नहीं जाता था। वो अब किसी ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था। वो अपने भाइयों को याद करने लगता है। नन्हा रिकॉन जो हमेशा अपनी बड़ी आंखों से देखता रहता था, उसका भाई रॉब जो जॉन का सबसे बेहतरीन साथी था, ब्रैन जो हर वक्त जॉन के साथ रहता था, जॉन को अपनी बहनें भी याद आ रही थी, सांसा जो उसे हमेशा सौतेला भाई कहती थी, और आर्या जो जॉन को सबसे ज्यादा मानती थी। वो इन सब के पास जाने के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार था। एक बार फिर से रिकॉन के साथ खेलने, आर्या को छेड़ने और ब्रैन के साथ वक्त बिताना चाहता था। तभी एक आवाज आती है, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया नाजायज। ये आवाज ग्रेन की थी। ग्रेन अपने साथ कुछ और लड़के ले आया था। ग्रेन के पीछे टोड नाम का लड़का था और साथ में वो 2 लड़के भी थे जिन्हें योरेन अपने साथ लाया था, वो बलात्कारी लड़के जो जॉन के साथ ही नाइट्स वॉच में लाए गए थे। जॉन इन सब से कभी बात नहीं करा था। जॉन उठकर कहता है, कहो तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूं। अब ग्रेन 16 साल का था और जॉन से बड़ा था, पर जॉन उन चारों से बिल्कुल नहीं डरा। उनमें से एक लड़के ने कहा, वो तो बाद में देखा जाएगा नाजायज कि कौन आज टूटेगा। जॉन कहता है, आजमा के देख लो। उनमें से एक लड़का जॉन का हाथ मरोड़ देता है, पर जॉन एक आवाज तक नहीं निकालता। दूसरा लड़का कहता है, तुम्हारी शक्ल किस पे गई है नाजायज, तुम्हारी माँ पे? क्या थी वो, एक वैश्या? जरा अपनी माँ का नाम बताना, शायद मैं कभी उसके साथ सोया होऊंगा। और वो सब हंसने लग जाते हैं। इतना सुनते ही अब उन सभी के बीच लड़ाई हो जाती है। जॉन अकेला उन चारों से लड़ रहा होता है, तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, बंद करो ये सब। जॉन उठकर देखा तो वहां पर डोनल नॉय आ चुके थे। डोनल ने कहा, अगर तुम सबको लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, मेरे हथियार खाने के अंदर नहीं, वरना फिर मुझे लड़ना होगा और वो तुम सबको पसंद नहीं आएगा। टोड ने कहा, ये मुझे जान सा मारना चाह रहा था उस्ताद। ग्रेन कहता है, जी उस्ताद, देखिए इसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया। डोनल ग्रेन के हाथ को देख के कहते हैं, ये बस एक खरोच है, जाओ मास्टर एमॉन से मिलो, वो तुम्हें दवाइयां दे देंगे। और टोड, तुम भी जाके अपनी चोट दिखवा लो। और तुम दोनों जाओ यहां से।
तुम नहीं जॉन, तुम यहीं रुकोगे। जब सब जा चुके थे तो डोनाल्ड कहते हैं, यह नाइट्स वॉच में हमें लोगों की जरूरत है जॉन, ग्रेन जैसे लोगों की भी हमें जरूरत है, उन्हें मार कर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जॉन गुस्से में कहता है, पर वो कह रहे थे कि मेरी माँ। डोनाल्ड कहता है, क्या एक वैश्या थी? जॉन कहता है, लॉर्ड एडार्ड एक ऐसे इंसान नहीं कि वो वैश्याओं के साथ सोए, उनका सम्मान। डोनाल्ड कहते हैं, उनका सम्मान क्या उन्हें एक नाजायज औलाद करने से नहीं रोक पाया? जॉन कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ? डोनाल्ड कहते हैं, तुम तभी जाओगे जब मैं तुम्हें जाने को कहूंगा। जॉन दोबारा बैठ जाता है। डोनाल्ड आगे कहते हैं, किसी के कहने से तुम्हारी माँ वैश्या नहीं बन जाएगी, तुम्हारी माँ जो थी वो थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पहले से कई ऐसे लोग हैं जिनकी माएँ वैश्या थी। जॉन सोचता है, पर मेरी माँ नहीं थी। नेड ने कभी भी जॉन को उसकी माँ के बारे में नहीं बताया था। डोनाल्ड आगे कहते हैं, तुम्हें लगता है कि एक बड़े घराने का नाजायज होना बुरा होता है? वो उस लड़के जेरेन को देख रहे हो, वो एक पुरोहित का नाजायज औलाद है, और क्वार्टर पाइक एक वैश्या का ही बेटा था, और जो आज ईस्ट वॉच बाय द सी को संभाल रहा है। जॉन गुस्से में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उन सब के बारे में भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपके बारे में, थॉर्न या बेंजन स्टार, किसी के बारे में फर्क नहीं पड़ता, मुझे नफरत है इस जगह से, यहाँ बस ठंड है। डोनाल्ड कहते हैं, हाँ ठंड, कठोर और बदतर, यही इस वॉल पर जिंदगी है। ये वो जगह है जिसके कहानियां तुम्हें सुनाई जाती होगी, वैसे भाड़ में जाए वो कहानियां, क्योंकि अब जो सच है वो सच है, और सच तो यही है कि तुम अब अपने जिंदगी भर के लिए यहीं रहोगे हम सब के तरह। अब डोनाल्ड नॉय जिंदगी के बारे में बता सकते थे क्योंकि उसने एक जिंदगी देखी और जी थी। उसने नाइट्स वॉच तब ज्वाइन किया था जब उसने स्टॉर्म्स एंड की घेरेबंदी में अपना हाथ गवा दिया था। उससे पहले वो स्टैनिस बैराथियन के साथ लड़ता था। डोनाल्ड नॉय के बारे में कहा जाता था कि उसी ने उस रॉबर्ट के वॉर हैमर को बनाया था। उसने वो हर चीज किया था जो जॉन अब कभी नहीं कर पाता। उसने जिंदगी जिया, और जब 30 साल की उम्र में उसने अपना एक हाथ गवा दिया, तब जाके वो नाइट्स वॉच में शामिल हुआ। डोनाल्ड के उतने समझाने के बाद जॉन कहता है, जिंदगी? डोनाल्ड कहता है, हाँ जिंदगी, अब वो लंबी होगी या छोटी ये तुम तय करोगे, और जिस राह पर तुम चल रहे हो ये लड़के एक दिन नींद में तुम्हारा गला रेत देंगे। जॉन कहता है, क्योंकि वो सब मुझसे नफरत करते हैं। डोनाल्ड कहता है, नहीं, वो तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उनसे बेहतर हो। वो जब तुम्हें देखते हैं तो उन्हें महल में पला बढ़ा एक ऐसा नाजायज दिखता है जो खुद को राजकुमार समझता हो। हमेशा याद रखना, तुम एक स्नो हो, स्टार्क नहीं, तुम भी एक नाजायज और बदतमीज हो। जॉन कहता है, बदतमीज? वो चार मिलकर मुझसे लड़ने आए थे। डोनाल्ड कहते हैं, हाँ वो चार जिन्हें तुमने तलवारबाजी में बेइज्जत कर दिया, वो चार शायद तुमसे डरते भी हों। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था, अगर तुम्हारे तलवार में धार होती तो वो चारों अभी मरे हुए होते। तुम ये जानते हो, मैं ये जानता हूँ, और वो सब भी ये जानते हैं। तुमने उन्हें रौंद दिया था, क्या इससे तुम्हें मजा आया था? अब जॉन अपने जीत से खुश तो था, पर अब जॉन को ये लग रहा था कि डोनाल्ड उससे उसकी जीत की खुशी क्यों छीन रहा है, जैसे कि जॉन ने कोई गुनाह कर दिया हो उनसे जीत के। जॉन कहता है, वो सब मुझसे उम्र में सर बड़े हैं। डोनाल्ड कहता है, ये सच है कि वो बड़े और मजबूत हैं। मुझे लगता है कि विंटरफेल में तुमने जिससे भी प्रशिक्षण लिया था स्नो, उन्होंने तुम्हें अपने से बड़ों से भी बखूबी लड़ना सिखाया था। कौन थे वो, कोई पुराने नाइट? जॉन सर रॉड्रिक कैसल का नाम बताता है। अब डोनाल्ड जॉन के नजदीक आकर कहते हैं, अब जरा ऐसे सोच कर देखो, इन सभी लड़कों ने आज से पहले कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। इन सब के पिता कोई किसान है, कोई दुकानदार, कोई शिकारी, कोई मजदूर, तो कोई केवट। वो लड़के बस गली मोहल्ले और सड़कों पर लड़ने के अलावा कभी कोई लड़ाई नहीं किए होंगे। यहाँ आने से पहले उन सभी के पास कभी इतने पैसे भी नहीं हुए होंगे कि वो एक असली तलवार भी खरीद पाते। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें अपने जीत का स्वाद कैसा लग रहा है, लॉर्ड स्नो? जॉन का गुस्सा अब शांत हो चुका था। वो कहता है, पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। डोनाल्ड कहते हैं, सोचना शुरू कर दो, वरना रात में तकिए के नीचे एक खंजर लेकर सोना पड़ेगा। जब जॉन हथियार खाने से बाहर आया तब तक दोपहर हो चुकी थी। जॉन पलटकर वॉल को देखता है और वो वॉल धूप में शीशे की तरह चमक रहा था। ठंडा, विशाल और कंपा देने वाला वो नजारा हमेशा जॉन के रोंगटे खड़े कर देती थी। लोग अक्सर कहा करते थे कि ये दुनिया का एक छोर है। जब जॉन अपने अंकल के साथ वॉल आया था तब उसने जब कासल ब्लैक को देखा था तो ये विंटरफेल के तरह कोई किला नहीं था। वहां तो ढंग से दीवारें भी नहीं है, ना पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना ही दक्षिण से। कासल ब्लैक को बस अपने उत्तर से मतलब था, जहां वॉल था। ऊंचाई में लगभग 700 फीट वॉल इंसानों द्वारा
द्वारा बनाया गया सबसे विशालकाय संरचना थी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि उस तरफ क्या होगा। अब ये एक जानी पहचानी आवाज थी। जॉन पलटकर देखता है तो ये टीरियन था। जॉन कहता है, लैनिस्टर तुम यहाँ कैसे? मुझे तो लगा कि मैं यहाँ अकेला हूँ। अब जब से वो वॉल पर आए थे तब से जॉन टीरियन से उतना मिला नहीं था। महारानी के भाई होने के नाते टीरियन को अच्छे कमरे में रखा गया था। वो लॉर्ड कमांडर मॉर्मोंट के साथ वक्त बिताता था और बाकी सभी अफसरों के साथ ही खाना खाता था। टीरियन जॉन से कहता है, तो जैसा कि मैं कह रहा था, ऐसा क्यों होता है कि जब एक इंसान एक दीवार उठाता है तो फिर दूसरे इंसान को जानना होता है कि दूसरे तरफ क्या है? तो तुम भी जानना चाहते हो कि उस तरफ क्या है? जॉन कहता है, कुछ खास नहीं। रेंजर्स बताते हैं कि उस तरफ बस जंगल, पहाड़, जमी हुई झीलें और ढेर सारा बर्फ है। टीरियन कहता है, और क्या क्या है लॉर्ड स्नो? जॉन कहता है, मुझे लॉर्ड कहना बंद करो। टीरियन कहता है, अच्छा, और तुम उन्हें दिखाते रहो कि तुम इससे कितना चिढ़ते हो, और वो तुम्हें कभी चिढ़ाना बंद नहीं करेंगे। अगर वो तुम्हें एक नाम देते हैं, उसे अपना लो, फिर वो तुम्हें दुखी नहीं कर पाएंगे। अब चलो मेरे साथ। इस वक्त वो कॉमन हॉल में गर्मा गर्म काढ़ा देते हैं। रास्ते में टीरियन पूछता है, तो तुम्हारा डायरवुल्फ कहाँ है? जॉन बताता है कि वो प्रशिक्षण के वक्त उसे बांध देता है और बाकी समय वो जॉन के ही साथ रहता है। जॉन आगे बताता है कि उसका कमरा हार्डिंस टावर में है। टीरियन पूछता है, वो जो आधा टूटा हुआ है और जहाँ के पत्थर अब झड़ने लगे हैं? जॉन कहता है, हाँ, पर नींद में आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, ज्यादातर कमरे खाली हैं, तो जो मन में आए चुन लो। अब एक वक्त ऐसा था जब कासल ब्लैक में 5,000 लोगों के ठहरने की जगह थी और आज बस 500 लोग यहाँ पे रह रहे थे और किला भी अब खंडहर हो चुका था। नाइट्स वॉच के कुल 19 दुर्ग थे, पर अब बस 3 ही थे जहाँ लोगों को तैनात रखा गया था। ईस्ट वॉच सबसे पूर्वी छोर पर, ठीक दूसरे तरफ के छोर पर जहाँ वॉल खत्म होता है वहाँ शैडो टावर था, और इन दोनों के बीच में था कासल ब्लैक। बाकी 16 किले काफी पहले खंडर और वीरान हो चुके थे। टीरियन पूछते हैं, तुम्हारे अंकल को गए काफी दिन हो गए हैं? जॉन घबराते हुए कहता है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे, उन्होंने कहा था कि वो मेरे जन्मदिन से पहले आ जाएंगे। पर जॉन ये भूल चुका था कि उसका जन्मदिन 14 दिन पहले ही जा चुका है। जॉन आगे बताता है, अंकल बेंजन किसी सर वेमर रॉयस को ढूंढते हुए उस तरफ गए हैं। तभी वो दोनों बात करते करते ग्रेट हॉल तक पहुंच जाते हैं। जब जॉन अंदर जाता है तो देखता है कि ग्रैन, टोड और बाकी लड़के आग के पास बैठकर नाश्ता और मौज मस्ती कर रहे हैं। जॉन हॉल के दूसरे कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। टीरियन भी उसी के साथ बैठकर खा रहा होता है। तभी पीछे से कोई जॉन को पुकारता है। जॉन सर एलिसर थॉर्न की आवाज पहचानता था। वो जॉन से आकर कहते हैं कि लॉर्ड कमांडर जॉन से मिलना चाहते हैं। अब ये सुनते ही जॉन डर जाता है कि ऐसी क्या खबर होगी कि लॉर्ड कमांडर उससे मिलना चाहते हैं, कहीं ये उसके अंकल की कोई बुरी खबर तो नहीं। जॉन सर थॉर्न से पूछता है, क्या ये मेरे अंकल के बारे में है? क्या वो वापिस आ गए हैं? सर एलिसर कहते हैं, लॉर्ड कमांडर इंतजार करना पसंद नहीं करते और मैं एक नाजायज के आगे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं करता। इस पे टीरियन कहता है, बस भी करो एलिसर, बच्चे को डराना बंद करो। सर एलिसर कहते हैं, इन बातों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं लैनिस्टर, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। टीरियन कहता है, हाँ, पर मेरी जगह शाही दरबार में तो है, मेरी एक बात से तुम्हें एक बुड्ढे की तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो बच्चे को डराना बंद करो और बताओ कि क्यों कमांडर इससे मिलना चाहते हैं, क्या इसके अंकल की कोई खबर है? सर एलिसर कहते हैं, नहीं, ये एक अलग मामला है। आज सुबह विंटरफेल से ये संदेश आया था इसके सौतेले भाई के बारे में। जॉन ये सुनते ही समझ जाता है कि खबर ब्रैन से जुड़ी होगी। वो तुरंत उस ग्रेट हॉल से निकलकर भागता है। वो भागते हुए लॉर्ड कमांडर तक गया और उनके कमरे का दरवाजा खोलते ही पूछा, ब्रैन, क्या संदेश आया है ब्रैन के बारे में? सर जियोर मॉर्मोंट नाइट्स वॉच के लॉर्ड कमांडर थे, उनके हाथ में उनका कौवा था। वो एक कागज का टुकड़ा निकाल कर जॉन को देते हैं। जॉन जैसे ही संदेश को पढ़ता है उसकी आंखें भर आती हैं और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, वो जाग गया, भगवान ने उससे वापस लौटा दिया। सर मॉर्मोंट कहते हैं, पर विकलांग। जॉन कहता है, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भाई अब जिंदा है। जॉन खुशी से वहां से निकलता है और हॉल में आकर वो संदेश टीरियन को भी देता है। फिर जॉन उठकर ग्रेन के तरफ जाता है। जॉन को देखते ग्रेन कहता है, अब तो मुझसे दूर रहना जायज। जॉन उसे कहता है, आज सुबह के लिए माफ करना दोस्त, मैं जानता हूँ तुम्हें चोट लगी थी, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखा दूंगा। पीछे से सर एलिसर की आवाज आती है, लगता है कि स्नो अब मेरी जगह लेना चाहता है। इस पे जॉन कहता है, क्यों नहीं सर एलिसर, शर्त लगाना चाहेंगे? अब इस बात पर सब हंस पड़े, यहाँ तक कि बाकी लड़के भी और अंत में ग्रेन भी हंस पड़ा। ये बेइज्जती सर एलिसर को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने शांत आवाज में कहा, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी लॉर्ड स्नो।